दोस्तों, अक्सर फिल्मों की दुनिया में ये देखा गया है कि कुछ कलाकार ऐसे भी हुए हैं जो भले ही फिल्मों में ज्यादा कामयाबी हासिल करने में कामयाब ना हुए हों, लेकिन वो अपने छोटे से किरदार की वजह से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हम एक ऐसे ही अभिनेता की बात कर रहे हैं जिसे फिल्मों में ज्यादातर नकारात्मक भूमिका और छोटे मोटे किरदार ही मिले, लेकिन वो अपने उन्हीं किरदारों से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। उसने सभी को अपने अभिनय से प्रभावित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शोले के किरदार सांबा से दुनिया भर में जाने जाने वाले मशहूर अभिनेता मैक की। उन्होंने अपने उस छोटी सी भूमिका से दुनिया भर में जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की, शायद ही उन्हें उनकी किसी और फिल्म से इतनी लोकप्रियता मिली हो, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी कुछ अनसुने किस्से कहानियों के बारे में बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मैक मोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत कराची वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मोहन मकीजनी था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से ही पूरा किया क्योंकि साल 1940 में उनके पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया था। वो बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद था, लेकिन क्रिकेट खेलना उनका जुनून बन जाएगा उन्हें नहीं पता था। आखिरकार उन्होंने एक क्रिकेटर बनने का निश्चय किया और उन दिनों मुंबई में क्रिकेट की ट्रेनिंग अच्छी दी जा रही थी। एक क्रिकेटर बनने का सपना लेकर वो मुंबई आ गए। उसके बाद जब उन्होंने मुंबई में रंगमंच देखा तो उनकी रुचि रंगमंच पर अभिनय करने में बढ़ गई। उन्होंने फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग बॉम्बे से एक्टिंग का कोर्स किया और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। साल 1961 में उन्होंने फिल्म जंगली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो कि एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दोनों सुबोध मुखर्जी थे और मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर और अभिनेत्री सायरा बानो फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शामिल थे। हालांकि मैक ने इस फिल्म में छोटी सी भूमिका निभाई थी जो एक कार्यालय कर्मचारी के रूप में थी। फिल्म में मशहूर अभिनेत्री और डांसर हेलन भी नजर आई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की और इसे सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद वो 3 सालों बाद साल 1964 में अपने करियर की दूसरी फिल्म चाचा चा में दिखाई दिए, जिसमें वो सुशील की भूमिका में नजर आए। हालांकि इस फिल्म में भी वो एक छोटी भूमिका में नजर आए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने में लगभग असफल रही। इस रोमांटिक फिल्म में अभिनेता चंद्रशेखर और अभिनेत्री हेलन मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म को निर्देशित करने का काम खुद चंद्रशेखर ने किया था। मैक ने अपने अभिनय से फिल्म निर्देशकों को अच्छा खासा प्रभावित किया था, जिसके चलते उन्हें उसी साल 2 और फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। पहला हकीकत और दूसरा आओ प्यार करें, जो उनकी तीसरी और चौथी फिल्म साबित हुई। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म हकीकत में वो राम स्वरूप के छोटे भाई ब्रजमोहन के रूप में दिखाई दिए। हालांकि फिल्म में काफी बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री शामिल थे, जैसे धर्मेंद्र, बलराज सहानी, सुधीर, विजय आनंद, संजय खान और प्रिया राजवंश। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। दर्शकों ने फिल्म को काफी प्यार दिया और फिल्म आओ प्यार करे में वो अभिनेता जॉय मुखर्जी, संजीव कुमार और अभिनेत्री सायरा बानो जैसे मशहूर कलाकारों के साथ नजर आए, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। वो छोटे छोटे किरदारों में ही नजर आए, जिसमें से ज्यादातर वो नकारात्मक भूमिका में दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, धीरे धीरे लोग उन्हें जानने लगे। लेकिन दर्शकों के बीच उन्हें थोड़ी बहुत लोकप्रियता तब हासिल हुई जब उन्होंने साल 1973 में प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म जंजीर में अभिनय किया। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अजीत खान, प्राण और बिंदु द्वारा अभिनीत ये फिल्म हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्मों में से एक थी। फिल्म इंडिया के अलावा सोवियत संघ में भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जो अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दौर को समाप्त करने में उनके लिए एक अहम फिल्म साबित हुई। हालांकि मैक ने इस फिल्म में एक नकारात्मक भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सफलता साल 1975 में आई फिल्म शोले से मिली। वो दर्शकों के बीच इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी लोग उन्हें उस किरदार की वजह से याद करते हैं। फिल्म शोले को रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक्शन और एडवेंचर से भरी थी। फिल्म को रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित और सलीम और जावेद द्वारा लिखा गया था। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जय और वीरू के रूप में दिखाई दिए, जिसमें संजीव कुमार, अमजद खान, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे मशहूर कलाकार भी शामिल थे। मैक मोहन ने इस फिल्म में सांभा का किरदार निभाया था। भले ही उनकी भूमिका फिल्म में कुछ पलों का ही था, लेकिन उतने ही समय में वो दर्शकों के बीच छा गए।
और ये साबित कर दिया कि भले ही छोटा किरदार क्यों ना हो, लेकिन शानदार अभिनय से हम उसे फिल्म का केंद्र बिंदु बना सकते हैं। जिस तरीके से गब्बर और सांबा के बीच में संवाद हुआ था, शायद ही कोई उसे भूल पाए। उस किरदार से वो पूरी दुनिया में छा गए। शोले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म के हर एक किरदार को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। उसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। साल 1978 में आई फिल्म डॉन में उन्होंने अभिनय किया, जिसमें वो डॉन के गिरोह के सदस्य मैक मोहन के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म को चंद्र बरोत द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन दोहरी भूमिका में नजर आए और मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान रोमा के किरदार में नजर आईं। वहीं प्राण जसजीत यानी जेजे के रूप में दिखाई दिए। ये फिल्म साल 1978 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। साथ ही इस फिल्म ने डॉन फ्रेंचाइजी को जन्म दिया और आगे चलकर डॉन सीरीज के दो हिंदी फिल्में भी बनी। इसके अलावा मैक ने कई और सफल फिल्मों में अभिनय किया, जैसे काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, शान। 70-80 और 90 के दशक में वो एक सफल विलन के रूप में भी उभरे। उनकी आखिरी फिल्म थी अतिथि तुम कब जाओगे। उन्होंने करीब 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और शानदार अभिनय करते हुए दर्शकों को रोमांचित किया। साल 1986 में उन्होंने मिन्नी से शादी किया। मिन्नी मगजिनी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक हॉस्पिटल में हुई थी। जब मैक ने अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तभी से दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर लिया। दोनों के तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां, विक्रांत मंजरी और विनिती मकीजनी। बेटे विक्रांत मकीजनी एक अभिनेता हैं। वो शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने द लास्ट मार्बल और द कॉर्नर टेबल जैसी फिल्मों में काम किया है। दरअसल वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं, उन्हें बोलने में दिक्कत होती है। मंजरी एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। हालांकि मुख्य रूप से वो एक राइटर हैं और ज्यादातर वो अमेरिकी और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। अवार्ड विनिंग फिल्म द लास्ट मार्बल और द कॉर्नर टेबल के लिए उन्हें जाना जाता है। उनके पति का नाम इमैनुअल पापस है, जो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम जोया मकीजनी पापस है। वहीं पर विनिती एक फिल्म निर्माता और अभिनेत्री हैं। साल 2010 में आई फिल्म माय नेम इज खान के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया है। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन मैक मोहन की भांजी हैं, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और अपनी अदाकारी से दर्शकों को रोमांचित किया है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी उनके पति हैं और दोनों के दो बच्चे हैं, रशा थडानी और रणबीर थडानी। और एक्टर राजीव टंडन मैक के भांजे हैं, जिनकी पत्नी का नाम राखी टंडन है, जो कि एक अभिनेत्री हैं। हालांकि मैक के माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माता पिता के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन उनके पिता ब्रिटिश भारत आर्मी में कर्नल थे। उनकी बहन का नाम वीना टंडन है, जो रवीना टंडन की माँ है। मशहूर फिल्म निर्देशक रवि टंडन रवीना के पिता हैं। दोस्तों, मैक मोहन ने अपने अभिनय से न सिर्फ सभी को रोमांचित किया, बल्कि उन्होंने अपने हर एक किरदार से लोगों के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने अभिनय से खुद को शीर्ष अभिनेताओं के बीच स्थापित किया, लेकिन अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनके दाहिने फेफड़े में ट्यूमर है, जो बाद में फेफड़ों का कैंसर बन गया। और 10 मई 2010 को 72 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन सांभा के रूप में वो दुनिया भर में अमर हो गए हैं और शोले के सांभा को लोग हमेशा याद करेंगे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।